दोस्तों, ब्लॉगिंग के फील्ड में आने के बाद सबसे जो पहली एक चीज लगती है वो है होस्टिंग का पैसा देना, क्योंकि शुरुआत के दिनों में हमें होस्टिंग का पैसा जो है वो जेम से देना पड़ता है, और उस दौरान अगर हमको वो पैसा 500-600 देना पड़े तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करें, वो भी ट्रस्टफुली, क्योंकि हम लोग कोई भी होस्टिंग पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते आंख बंद करके। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे होस्टिंग के प्लान्स बताने वाला हूं और कुछ ऐसी साइट्स बताने वाला हूं जिस पे आप होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, वो भी 30-40 रुपीस पर मंथ में। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो हाय, हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्लेक्सी ट्रिक्स में। दोस्तों, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेस्ट वीडियो में देने की कोशिश करता हूं। और उसके बाद हम लोग अब मेन टॉपिक पे आते हुए बात करते हैं होस्टिंग प्लान्स की। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स बताने वाला हूं जिसमें आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत भरोसे के साथ कर सकते हैं। और कुछ प्रोफेशनल वेबसाइट्स और कुछ जो है आपके लिए जो बेहतर वेबसाइट हैं, जो अभी के टाइम पर आपको चीपेस्ट होस्टिंग दे सकते हैं और आप जिसमें अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, उन सभी वेबसाइट्स के मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहां पर मैं उन वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूं जो मोस्टली पहले मैंने यूज किए हैं, जिन पर मैं सालों तक वर्क कर चुका हूं, देन उसके बाद मैं अपने खुद के सर्वर पर आया, और फिर उसके बाद मैं जो नए बिगनर लोग हैं उनके लिए वेबसाइट बताऊंगा। तो सबसे पहले वन नंबर पे चलते हैं। सो मैंने पूरा डिटेल जो है निकाल के रखा है होस्टिंग को लेकर। मैं उन्हीं वेबसाइट्स के नाम आपको बताने वाला हूं जो पहले मैंने यूज किए थे, और मैं सिर्फ उनके पहले प्लान बताने वाला हूं। अगर आपको और भी ज्यादा अपग्रेड लग रहा है तो आप उसमें कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है माइल्स वेब। माइल्स वेब हमको देता है 60 रुपीज पर मंथ पे होस्टिंग, और उसमें इंक्लूडेड वही 6-7 रुपए टैक्स लगेगा। और वन वेबसाइट आप उसमें होस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको 1 GB डेटा, मतलब 1 GB आप अपना अपलोड कर सकते हैं डेटा, और जो मिल रहा है वो 10 GB का है। SSL फ्री मिलेगा, cPanel और Softa Kalos भी आपको फ्री मिलने वाला है। MySQL डेटाबेस आपको एक मिलने वाला है जो कि थोड़ा सा कम है, और ईमेल एड्रेस आप 2 होस्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपका नाम @ आपकी वेबसाइट। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। सेकंड नंबर पे चलते हैं इंटर सर्वर। इंटर सर्वर मैं बहुत साल यूज कर चुका हूं, लेकिन जो दिक्कत आ रही थी वो है पेमेंट की। इसमें सिर्फ पेपल या फिर क्रेडिट कार्ड, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड तो पॉसिबल नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, और जो पेपल है वो बहुत ज्यादा टाइम जो है दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि मेरे साथ वो खुद वो दिक्कतें हो चुकी हैं, इसलिए मुझे इंटर सर्वर एक टाइम पे छोड़ना पड़ा था। तो उसका जो प्लान है वो $5 पर मंथ में है, लेकिन प्लान्स बहुत अच्छे हैं। $5 पर मंथ है, अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, 10 GB का स्टोरेज भी मिल जाता है, और SSL वगैरह भी फ्री है, और बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड दे रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पेमेंट का बहुत इशू जाएगा। उसके बाद जो थर्ड नेम आता है वो है बिगनर के लिए, जो कि बहुत आराम से लोग यूज़ कर सकते हैं, इंडियन होस्टर, indianhoster.com। सारे जो नाम, सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इंडियन होस्टर जो है 49 रुपीज पर मंथ में आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। इसमें आपको एक कूपन कोड मिलेगा जो आप होस्टिंग प्रोवाइडर से बात करके ले सकते हैं, जो आपको 30 रुपीज या 40 रुपीज तक आपको होस्टिंग लाकर दे देगा, होस्टिंग का जो कॉस्ट है। और एक वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हैं, 1 GB का आपको स्टोरेज मिलता है, 10 GB बैंडविड्थ मिलता है, और SSL इसमें भी आपको फ्री मिलने वाला है, और साथ में cPanel, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ नंबर है वो है fasterwebhost.com। इसमें आपको 30 रुपीज पर मंथ पे होस्टिंग मिल जाती है, जिसमें 2 GB स्टोरेज है, 20 GB बैंडविड्थ मिलेगा, और आप 2 सब डोमेन लगा सकते हैं, 2 SQL डेटाबेस मिलेंगे, और 2 ईमेल आप होस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो होस्टिंग प्लान है वो भी सस्ता है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, पेटीएम वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हैं, जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है। उसके बाद आता है वी होस्टी। आप उसमें भी 30 रुपीज़ पर मंथ में अपना जो वेबसाइट है वो होस्ट कर सकते हैं। 1 GB का आपको उसमें वेबसाइट होस्ट करने मिल जाता है, 10 GB स्पेस मिलता है, उसके बाद 100 GB बैंडविड्थ मिलता है, बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है, उसके बाद SSL फ्री है, और Softa Kalos इंस्टॉलर दिया है, और USA का लोकेशन बेस्ड सर्वर है। तो ये थी मेरी वेबसाइट की सारी डिटेल्स, जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा था कि रिकमेंडेड कीजिए सर कि हम कौन सी होस्टिंग ले। तो यहाँ से आप बात करके आराम से होस्टिंग ले सकते हैं। कुछ चीज़ों के जो डिस्काउंट ऑफर है वो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप जाकर कर सकते हैं। तो बिगनर है अगर आपके पास पैसों की कमी चल रही है तो ये वाला होस्टिंग यूज करके देखिए शुरुआत में, बाद में हम लोग मूव कर सकते हैं कोई भी होस्टिंग में जैसे जैसे हमारा ट्रैफिक बढ़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। प्लीज इस वीडियो को कहीं और शेयर कीजिए किसी और के साथ, ताकि उसकी भी हेल्प हो। और आपको जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो या तो फिर आप arts.flexitricks.com पे आ सकते हैं, या फिर आप यहीं कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।